तो कहानी शुरू होती है एक लड़का और एक लड़की से, जहां दोनों परेशान हैं इस चीज को लेके कि उन्हें अपने सपने याद ही नहीं रहते, लेकिन वो सपना असली है इसका एहसास होता है। मानो सपना नहीं वो सब सच हो, लेकिन इस चीज का एहसास शायद उस दिन शुरू हुआ जब तारे टूटने लगे, जैसे ये सब एक सपना हो। ये कहानी जो मुझे शायद याद भी नहीं, पर उस कहानी में तुम थी। बस याद है तो तुम्हारी झलक, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और पूछूंगा। क्या पूछूंगा? योर नेम? कह भी दो अब क्या है तुम्हारा नाम, ढूंढूं तुम्हें मैं सुबह से लेके शाम, पर तुम ना मिलो, दूर मुझसे बैठे क्यों बला। तो कहानी शुरू होती है एक लड़की मित्सुआ से, जो सपने में देख रही है एक लड़का जिसका नाम है ताकी, और मेट्रो से निकलते निकलते ही अपने बाल खोल देती है और अपना हेयर रिबन उसे देके कहती है, क्या तुम मुझे भूल गए? मेरा नाम है मित्सुआ। कि तभी इसकी आंख खुली और सपना टूट गया। अब उससे पहले ही अपना होश संभाले इसके होश उड़ाने आ जाती है इसकी छोटी बहन मित्सुआ। दबाने से 32-36 नहीं होते। अच्छा अब जल्दी चलो, नाश्ता तैयार है। तो अब ये जाती है मिरर के सामने और कपड़े उतार के खुद को देखती है और चीखती है। अब अगले दिन मित्सुआ स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और इसकी छोटी बहन अपनी दादी से मित्सुआ की अजीब हरकतों की शिकायत कर देती है, तो दादी इसे कल के बर्ताव के लिए समझाती है। फिर मित्सुआ स्कूल जाती है तो रास्ते में इसे अपने दो दोस्त मिलते हैं, सायका और टेसी। तो सायका इसे बताती है कि कल ये बिकते बालों में ही स्कूल आ गई थी। कि तभी पास के ही ग्राउंड में मित्सुआ के डैड इतोमोरी विलेज के इलेक्शन के लिए भाषण दे रहे हैं। ये देख के मित्सुआ के स्कूल मेट्स उसको बुली करते हैं, क्योंकि मित्सुआ होने वाले मेयर की बेटी जो है। अब स्कूल में टीचर पढ़ा रही है तासो कारे के बारे में, जिसका मतलब है सायंकाल, मतलब जब ना हो दिन और ना हो रात, उस समय हम वो देख सकते हैं जो इस दुनिया से अलग हो। कि तभी मित्सुआ अपनी बुक में एक पेज देखती है जिस पे लिखा है, कौन हो तुम? ये किसने लिखा? मित्सुआ। मित्सुआ? यस मैम। अच्छा आज तुम्हें अपना नाम याद है। तो सायका और टेसी मित्सुआ को बताते हैं कि कल वो ये तक भूल गई थी कि उसका लॉकर कहाँ पे है, और ये सब सुन के मित्सुआ कंफ्यूज हो गई, क्योंकि उसे तो कुछ याद ही नहीं, और उसके हिसाब से कुछ दिनों से वो किसी सपने में है और वो किसी और की जिंदगी जी रही है, पर उसे कोई भी सपना अच्छे से याद नहीं है। पर शायद ये सपने इसे इसलिए आते हैं क्योंकि मित्सुआ के हिसाब से वो एक ऐसे गांव में रहती है जो बहुत छोटा है, और उसे जल्दी पढ़ाई खत्म करके टोक्यो शहर जाना है, क्योंकि यहाँ तो ट्रेन भी हर 2 घंटे के गैप में आती है और दुकानें भी 9 बजे बंद हो जाती हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं 0, लेकिन दारू के ठेके हैं 2-2, ना लड़के अच्छे हैं, ऊपर से ये भी बच्चे हैं, तो 7 बजे से पहले घर पहुंचना है। तो घर पहुंच के इसकी दादी मित्सुआ को रेडी करती है इनके विलेज की सदियों से चली आ रही रस्म के लिए, और इस रस्म में ये डांस करते हैं, मुंह में चावल रख के तब तक चबाते हैं जब तक वो पेस्ट ना बन जाए, और उसे एक बॉक्स में डाल देते हैं शराब बनाने के लिए। वियर्ड बट ओके। पर ये सब करते हुए इसके स्कूल के बच्चे इसे देख लेते हैं, तो भाई कल्चर जाए पर सेल्फ रिस्पेक्ट ना जाए, तो इसे लगता है बुरा और ये मांगती है एक दुआ। मुझे ये जगह पसंद नहीं है, अगले जन्म मुझे बेटा चीजो, आई मीन एक बड़े शहर का लड़का बनाना। तो भाई उस टूटे दिल की आवाज जो हर दिल को टच कर सकती है, उसी आवाज की दुआ पहुंच जाती है किसी ऐसी ताकत के पास जो इसे सच कर सकती है। तो अगले दिन सुबह सुबह एक लड़के की आंख खुलती है और वो उठता है, पर उठते ही अपना पीपी पकड़ लेता है, क्योंकि रात को बॉयज जब सोते हैं 9 से 7 तो सुबह बोन्स हो जाती हैं 207। अस ब्रो अस, ये अपने मैन बूब्स क्यों दबा रहा है? ताकि ताकि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम भी टाइम पे स्कूल चले जाना। ओ ये तो वही लड़का है जो मित्सुआ के सपने में था, मतलब मित्सुआ अभी भी सपने में है। तो मित्सुआ एके ताकि है टोक्यो शहर में, तो ताकि तैयार होके नेविगेशन से स्कूल जाती है, जाता है, और स्कूल में इसे मिलते हैं अपने दोस्त सुकासा, जो इसे अपने साथ ले जाता है कैफे। बट कैफे में ताकि अपना फोन देखता है और उसे पता चलता है उसे तो अपनी पार्ट टाइम जॉब पे जाना है, बट मित्सुआ को थोड़ी ना पता है कि ताकि कहाँ जॉब करता है। तो ताकि के दोस्त उसे ताकि के रेस्टोरेंट तक छोड़ देते हैं, तो ताकि काम करता है एक रेस्टोरेंट में एज अ वेटर। बट इतना सारा काम करके मित्सुआ को आ रहा है चक्कर, और ये सोच रही है कि ये सपना कब खत्म होगा। कि तभी एक कस्टमर से ताकि की हो जाती है बहस, और उसे बचाने आती है उसकी सीनियर मिस ओकुदेरा। ओ फक, ये कितनी सुंदर है यार।
तो अपना काम खत्म करके मित्सुआ घर आ जाती है और थक जाती है। लेकिन तभी उसे ताकी के फोन में मिलती है कुछ एंट्रीज और ये देख के वो सोचती है काश वो भी टोक्यो शहर में रहती। बट फोटोज देख के उसे पता चलता है कि ताकी पसंद करता है मिस ओकुदेरा को, तो वो फोन में एक डायरी में सब लिख देती है। आज काम के बाद मिस ओकुदेरा के साथ अच्छा टाइम गुजरा और उन्हें मैंने काम के बाद घर तक छोड़ा। और तभी मित्सुआ को याद आता है वो नोटबुक का पेज जिसमें लिखा था कौन हो तुम। तो मित्सुआ ताकी के हाथ पे अपना नाम लिख देती है मित्सुआ और वो सो जाती है। तो अगले दिन ताकी उठता है, ये क्या है। अब कंफ्यूज ताकी स्कूल जाता है और उसे पता चलता है कि कल वो ये तक भूल गया था कि वो काम कहाँ करता है। और जब ताकी जॉब पे जाता है वहाँ उसके कलीग्स गुस्सा है क्योंकि वो मिस ओकुदेरा को कल घर तक छोड़ने गया था। ये सब देख के ताकी कंफ्यूज है। यहाँ सुबह सुबह मित्सुआ की आंख खुलती है, उसके हाथ पे लिखा है मित्सुआ। कौन मित्सुआ? ये देख के मित्सुआ कंफ्यूज है तो वो स्कूल जाती है और सब उसे घूर रहे हैं क्योंकि कल उसने क्लास में बुली करने वाले बच्चों को सबक सिखा दिया था। तो मित्सुआ ये सब सुन के भागती है और घर पहुंचती है और अपनी नोटबुक का पेज चेक करती है और उसकी नोटबुक में बहुत सारे सवाल है। और यहाँ ताकी अपने फोन के नोट्स चेक करता है और उसके फोन में भी बहुत सारी एंट्रीज है। क्या इसका मतलब? नहीं नहीं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की बॉडी स्वैप कर रहे हैं। What the fuck? तो अब मुझे सब समझ में आ रहा है, ताकि मेरे जैसा ही टोक्यो में रहने वाला एक स्कूल का किड है और मित्सुआ एक प्यारी सी स्कूल की स्टूडेंट। तो ये दोनों हफ्ते में कई बार अपनी बॉडीज चेंज करते हैं और ये सब सोने के बाद होता है। पर जब भी ये जागते हैं तो पहले की मेमोरीज हो जाती है हेजी, जैसे कि हमारे सपनों के साथ होता है यार। तो अब ये दोनों एक दूसरे के लाइफस्टाइल में ढलने के लिए नोट्स छोड़ते हैं ताकि जब भी बॉडी स्वैप हो तो इन्हें पता हो कि मित्सुआ या ताकी का लाइफस्टाइल क्या है। तो अब ये एक दूसरे की बॉडीज में ढलने लगते हैं। मित्सुआ अब कूल हो गई है और हॉट भी, थैंक्स ताकी। और इधर मित्सुआ ताकी के सारे पैसे खर्च करने में लगी है और इस वजह से ताकी को डबल शिफ्ट भी करनी पड़ रही है। ये दोनों कितने क्यूट है यार। तो थोड़े दिन बाद ताकी फिर से मित्सुआ की बॉडी में उठता है, पर अब शायद ये सुधर गया है। मुझे ये नहीं करना चाहिए। थैंक्स ताकी, आई मीन गलत बात ताकी, बहुत गलत बात। थोड़े दिन में एक बड़ा मीटियोर जो 1200 साल में सिर्फ एक बार धरती के पास से गुजरता है दिखने वाला है। ये नजारा जरूर देखना क्योंकि ऐसा नजारा आपको 1200 साल में कहीं नहीं दिखेगा। तो अब ताकी जो कि मित्सुआ की बॉडी में है जाती है अपनी दादी के साथ अपने मंदिर के गॉड की ग्रेव पे। पर दादी को पहाड़ चढ़ने में दिक्कत हो रही है तो ताकी उन्हें उठा लेता है, पर ये बॉडी मित्सुआ की है तो दादी ने फाड़ दी इसकी आधी। पर मित्सुआ की दादी इन्हें बताती है इन्हें मुसुबी के बारे में। मुसुबी एक ऐसा रास्ता है जिसे हम अपने गार्डियन गॉड को बुलाने के लिए यूज करते हैं और इस शब्द के कई मतलब है। जैसे धागों का आपस में जुड़ना मुसुबी है, दो लोगों का आपस में जुड़ना भी मुसुबी है, यहाँ तक कि वक्त का भाव भी मुसुबी है। तो हम जो भी सिलाई बुनाई करते हैं वो एक गॉड आर्ट है जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। धागे मुड़ जाते हैं, पलट जाते हैं, कभी कभी टूट भी जाते हैं, लेकिन वो फिर से जुड़ जाते हैं और ये है मुसुबी या फ्लो ऑफ टाइम। और आज जो हम कथा करने वाले हैं वो हमारी आत्मा को हमारे भगवान से जोड़ेगी मुसुबी की तरह। तो चावल के पेस्ट वाली प्रथा याद है जिससे दारू बनाई थी? तो ये उसी चीज को गॉड की ग्रेव के पास रखकर आते हैं क्योंकि वो मित्सुआ का आधा हिस्सा है जो गॉड को मुसुबी से मित्सुआ के साथ जोड़ता है। ओ, मित्सुआ का आधा हिस्सा। तो वापसी में घर आते आते काफी शाम हो जाती है। थोड़ी देर में कॉमेट दिखने वाला है। तो मतलब आज ही वो दिन है जब 1200 साल वाला कॉमेट दिखेगा। नाइस। बेटा मित्सुआ, तुम अभी भी सपना देख रही हो? कि तभी ताकी की आंख खुल गई भाई और ये उठ के कर रहा है क्राई। मैं रो क्यों रहा हूँ? कि तभी ताकी के फोन पे आता है नोटिफिकेशन जिसमें ताकी की क्यूट कलीग ओकुदेरा का मैसेज है। ताकी मैं पहुंच रही हूँ, तुम भी आ जाओ ऑन लोकेशन। तो मित्सुआ ने डेट फिक्स की है ताकी की मिस ओकुदेरा के साथ। ये लड़की कितनी मस्त है यार। पर ताकी को पता ही नहीं कि डेट पे करते क्या है। तो मित्सुआ ने छोड़े हैं ताकी के लिए कुछ नोट्स कि लड़की के साथ कैसे बिहेव करे कैसे ना करे, जो कि सबको पता होना चाहिए। पर लड़कियां छोटी से छोटी बात पकड़ लेती हैं और ओकुदेरा ताकी को कहती है तुम आज अलग हो ताकी, और इनकी डेट हो जाती है खत्म। पर नोट में मित्सुआ ने ये भी लिखा था जब तक तुम्हारी डेट खत्म होगी आसमान में तुम्हें धूमकेतु दिख जाएगा। तो ये पढ़ के ताकी करता है मित्सुआ को कॉल।
यहाँ मित्सुआ जाती है अपने दोस्तों के पास। इसने अपने बाल कटवा लिए यार। पर लड़कियों को जिंदगी में जब भी कुछ नया करना हो तो वो सबसे पहली चीज अपने बाल काटती हैं। तो मित्सुआ टीसी और सायका के साथ अपने गांव के टोक्यो रिवेंजर वाले फेस्टिवल में जाती है। पर तभी मित्सुआ को कुछ दिखता है और वो आसमान में देखती है और उसे दिखता है धूमकेतु, वो कॉमेट जो 1200 साल में सिर्फ एक बार दिखता है। ये नजारा कितना सुंदर है यार। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी उत्तर देने के लिए उपलब्ध नहीं है। इसने मेरा फोन नहीं उठाया। घूसा मारूंगा इसके पेट पे। चल कोई नहीं, नेक्स्ट बॉडी स्वैप में बता दूंगा इसे क्या हुआ था डेट पे। पर इसके बाद मित्सुआ और ताकी ने कभी बॉडी स्वैप ही नहीं की। दिन ढलने लगे। ताकी मित्सुआ से बस एक बार मिलना चाहता है, पर कैसे? तो अपनी इमेजिनेशन से मित्सुआ के गांव का स्केच बनाता है और निकल जाता है मित्सुआ को ढूंढने। पर ये क्या, मिस ओकुदेरा और सुकासा दोनों साथ चलेंगे? तो ताकी इन दोनों को सब कुछ बताता है कि कैसे मित्सुआ और ताकी की बॉडी स्वैप होती थी और कैसे वो एक दूसरे की जिंदगी जीते थे। पर जिस दिन मिस ओकुदेरा के साथ ताकी की फर्स्ट डेट थी, उस दिन के बाद से इन दोनों ने कभी बॉडी स्वैप ही नहीं की। मतलब जब ताकी का दिल ओकुदेरा के साथ जुड़ा तब ताकी का कनेक्शन मित्सुआ से टूट गया। तो अब ताकी, सुकासा और मिस ओकुदेरा ढूंढने निकल पड़ते हैं मित्सुआ का गांव। पर नहीं मिलता तो थक के नारुतो वाले रैमन खाने लगते हैं। वाओ, काफी लंबा हो गया सफर, गांव तो मिला नहीं, शायद जाना पड़ेगा वापस घर। कि तभी शॉप ओनर कहता है, तेरी बंदी तो बड़ी गोरी है। ये गांव तो इतुमोरी है। हाँ, इतुमोरी। तो ताकी अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है इतुमोरी गांव। पर ये क्या, ये जगह तो तबाह है, पर कैसे? तो सुकासा इसे बताता है कि 3 साल पहले जो धूमकेतु धरती के ऊपर से गुजरने वाला था वो धरती के इतनी पास आ गया कि उसका एक टुकड़ा धरती पे आ गया। ये किसी को नहीं पता था कि ये टुकड़ा जापान के इतुमोरी गांव पे एग्जैक्टली 8:42 पे गिरेगा। और गांव के सभी लोग टोक्यो रिवेंजर्स वाले फेस्टिवल में इकट्ठा हुए थे और सब मर गए। तो ओकुदेरा इस हादसे में मरने वाले लोगों की लिस्ट निकालती है और उसमें टीसी का नाम है, सायका का भी, इसमें तो मित्सुआ का नाम भी है। मतलब मित्सुआ 3 साल पहले ही मर चुकी है, पर कैसे? क्योंकि अभी 2 हफ्ते पहले ही तो वो ताकी के सपने में आई थी और उसने धूमकेतु के दिखने की बात की थी। अब ताकी काफी परेशान है। क्या ये सब सच है या फिर ये सब एक सपना है? शायद धूमकेतु की मेमोरीज की वजह से मुझे ये सपने आ रहे हैं, पर कहीं मित्सुआ भूत तो नहीं है? कि तभी ओकुदेरा ताकी से उसके हैंड बैंड के बारे में पूछती है। तो ताकी बताता है कि 3 साल पहले ये हेयर बैंड उसे किसी ने तो दिया था पर उसे ये बात याद नहीं। पर उसे मित्सुआ की दादी की ये बात याद आती है कि धागे, सिलाई, बुनाई ये सब टाइम के फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वक्त का बहाव, जैसे कि घूमना, मुड़ना, टूटना या फिर मिलना। और वो समझ जाता है कि अब उसे इस रास्ते पे अकेले ही जाना है। तो ताकी अकेले निकल पड़ता है सच का पता लगाने। और पहुंच जाता है उस जगह जहां मित्सुआ के मंदिर के गॉड की ग्रेव थी। तो ताकी को दिखता है वो चावल के पेस्ट वाली शराब जो मित्सुआ ने बनाई थी और मुसुबी के हिसाब से उसमें मित्सुआ की सोल है। क्या समय को पलटा जा सकता है? और ताकी इसे पी लेता है मगर कुछ होता ही नहीं। तो ताकी वापिस जा रहा होता है उसका फिसला पैर और बैड एक धूमकेतु और इसे दिखता है वक्त का बहाव। कि कैसे ये मित्सुआ से कनेक्टेड है, उसके बचपन से लेकर इन दोनों की बॉडी स्वैप तक, कैसे ये दोनों कनेक्टेड है और कैसे उस रात धूमकेतु ने मित्सुआ, भागो यहां से, भागो मित्सुआ, भागो। कि ताकी की खुली आंख मित्सुआ की बॉडी में और इसे इसने खुद को हक कर लिया। ओके, अब मुझे ये नहीं करना चाहिए, लगता है अब ताकी बन गया जेंटलमैन। यार, मैन विल ऑलवेज बी मैन। तो अब मित्सुआ नीचे आती है मगर उसकी दादी कहती है, तुम मित्सुआ नहीं हो ना,
आपको किसे पता चला? आओ बैठो, कुछ बताती हूँ। तो दादी इसे बताती है कि चाय में स्वाद दे दिया कपने, और सिर्फ तुझे नहीं मुझे भी आते थे ऐसे सपने, और ये सपने सिर्फ दादी नहीं पूरे खानदान में चले आ रहे हैं सताने के लिए। तो ये सपने आते हैं धूमकेतु से लोग को बचाने के लिए। तो अब मित्सुओ अपने दोस्तों को ये बात बताती है कि सब मरने वाले हैं और ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो ये मान जाते हैं। तो मित्सुओ अपने प्रेसिडेंट डैडी के पास जाके सब बताती है, पर इसका बाप नहीं रहा मान, तो ये पकड़ लेती है इसका गिरेबान। कौन हो तुम? तो अब ताकि परेशान है कि सबको कैसे बचाए, क्या करे। युत्सुआ, भागो यहाँ से, सब मरने वाले हैं। ये तुम क्या कह रही हो? पहले ये बताओ, कल तुम अचानक से टोक्यो क्यों गई थी? टोक्यो? तो अब ताकी को दिखता है कि कैसे मित्सुआ टोक्यो आती है ताकी को ढूंढते ढूंढते। मैं एकदम से सामने आऊंगी तो क्या वो मुझे पहचानेगा? जरूर पहचानेगा। मगर ताकी इसे नहीं मिला और ये है पेन में। तो भाई चलो वापस घर ट्रेन में, मगर स्टेशन पे इसे कुछ दिखा और ये भागी। और ताकी, ताकी पहचाना? क्या तुम मुझे भूल गए? कौन हो तुम? इसने मुझे नहीं पहचाना? बेचारी मित्सुआ यार। तो आ गया मित्सुआ का स्टेशन, और मेट्रो से निकलते निकलते ये अपने बाल खोल देती है और अपना हेयर रिबन उसे देख के कहती है, क्या तुम मुझे भूल गए? मेरा नाम है मित्सुआ। ओ फक, तो मित्सुआ ताकी से मिलने टोक्यो आई थी जब ताकी से जानता तक नहीं था, और वहीं ताकी को हैंड बैंड मिला। और ताकी को ये बात इसलिए याद नहीं क्योंकि ये बात आज से 3 साल पुरानी है। तब ताकी को मित्सुआ के ना तो सपने आते थे, ना ही वो मित्सुआ को जानता था। कि तभी खुलती है मित्सुआ की आंख ताकी की बॉडी में, और ये बाहर आकर देखती है कि इसका इतोमोरी विलेज बर्बाद हो गया। मतलब मैं मर चुकी हूँ? तो अब ताकी भी मित्सुआ की बॉडी में उसी जगह पहुंच जाता है, और ये दोनों अब अलग अलग वक्त में एक ही जगह पर है। पर इन्हें रियलाइज होता है कि ये दोनों पास ही हैं। मित्सुआ, ताकी, ये दोनों एक दूसरे को सुन तो पा रहे हैं मगर छू नहीं पा रहे। कि तभी ढल गया सूरज लाल और हो गया सायंकाल। सूरज ढल गया। वेट, व्हाट? ये दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं और ये दोनों अपनी ओरिजिनल बॉडीज में वापस आ जाते हैं। मित्सुआ, ताकी, ताकी, तुम सच में यहाँ हो? हाँ मित्सुआ, मैं आ गया। बहुत मुश्किल था पर मैं आ गया मित्सुआ। तो ताकी से बताता है कि कैसे इसने पी लिया इसके गॉड के मंदिर के ग्रेव वाला लिक्विड, और मुसुबी के कनेक्शन से इस टाइम में आ गया ये स्टूपिड। तो अब ताकी इसे हेयर बैंड वापस करता है और ये दोनों साथ में हंस रहे हैं। मगर धूमकेतु तो आ रहा है नजदीक, तो अब सबको बचाना है मित्सुआ का काम। पर ये दोनों फिर से ना भूल जाए तो लिखते हैं हाथों पे नाम। तो ताकी अपना नाम लिखता है मित्सुआ के हाथ पे, और मित्सुआ लिखने जाती है अपना नाम की मित्सुआ गायब हो गई। मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा और मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मित्सुआ, मुझे याद है तुम्हारा नाम, याद है मित्सुआ, तुम्हारा नाम है मित्सुआ, मित्सुआ, मित्सुआ। तो ताकि ये नाम भूल ना जाए बाद में, तो ये लिखने ही जाता है कि नहीं आ रहा नाम याद में। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। पर किससे मिलने? तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो, मुझे पता है, पर कौन, क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ मित्सुआ वापस आ गई 3 साल पहले वाले इतोमोरी विलेज में, जहाँ इतोमोरी में चल रहा है टोक्यो रिवेंजर्स वाला फेस्टिवल, और धूमकेतु बस गिरने ही वाला है और हो रही है नाइट। तो ये कर देते हैं शहर के बाहर विस्फोट लगा के डायनामाइट। और यहाँ स्पीकर्स हैक करके सायका करती है अनाउंसमेंट, इतोमोरी के लोगों, धमाके की वजह से आग बढ़ गई है,
तो कृपया सब लोग स्कूल के एरिया में आकर जमा हो जाएं। ओह, क्योंकि स्कूल की इकलौती बिल्डिंग थी जो धूमकेतु से बच गई थी, तो भाई सब लोग भागे स्कूल की तरफ, क्योंकि फट गई तगड़ी पर सायका हैकिंग करते गई पकड़ी। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। जंगल में नहीं लगी कोई आग, तो सब आराम से खाओ पालक और साग। ओह शिट, मतलब अब तो सब मर जाएंगे यार। कि तभी धूमकेतु का टुकड़ा टूटा और धरती की तरफ गिरने लगा। धूमकेतु टूटेगा, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि धूमकेतु किसी छोटे से शहर में गिरेगा। अब इससे भगवान ही बचा सकता है। और 3 साल पहले ताकि भी इसको विटनेस कर रहा है, अपने आने वाले फ्यूचर से बेखबर, क्योंकि तब तो इसे सपने भी नहीं आते थे ना यार। तो वहाँ मित्सुआ सबको बचाने के लिए भाग रही है बेसब्र, पर मित्सुआ को तभी ताकि की तरह याद नहीं आ रहा उसका लवर। वो कौन है जिसे मैं चाहती हूँ? कौन है वो जो करता है मेरे दिल पर रूल? पर उसका नाम क्या था? मैं गई भूल। कि तभी ये डॉक्टर गुलाटी मार के गिर गई। बहन हाथ चेक कर ले। तो ये मेरी बात मानते हुए हाथ चेक करती है और ताकि ने अपना नाम लिखा है आई लव यू। नाम क्या है तुम्हारा? भूल गई है ज़बा। मिलो फिर से कभी तुम, नाम सुना तुम्हारा हर तरफ हर दिशा में। तुम ही तुम हो हवा में, मैं रहूंगा राजी तेरी हर एक रजा में। ये तो किसी सपने जैसा लगता है। तुम हो जहां मैं भी हूं वहां, दिल की धड़कन को सुनो जरा, ये कह रही कि है कोई जो चाहे तुझको बेपना। हर पल सदा नजरे मेरी देखे तुम्हें देखे जहां। ये क्या नशा तूने किया, मैं जो था वो भी अब ना रहा। और बूम, धूमकेतु पितोमरी से टकरा गया और पूरा गांव बर्बाद हो गया। वहां ताकि उसी जगह 3 साल बाद उठता है और सोचता है, मैं यहां कर क्या रहा हूं? तो अब काफी टाइम बीत गया, ताकि अब बड़ा हो गया, मगर आज भी इसे लगता है इसने कुछ खो दिया है। शायद वो मित्सुआ ही है जिसे ये बचा नहीं पाया। और तो और अब ये जॉब भी करता है, इसके फ्रेंड्स भी बड़े हो गए हैं, पर अभी भी इसकी लेते हैं क्योंकि फ्रेंड्स विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स यार। और तो और हमारी मिस ओकुदेरा, इसका मेरे को कोई नंबर दे रहा, ये भी अब इसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। तुम्हें याद है हम एक बार इतोमोरी गए थे? हाँ, पर धुंधला याद है। न जाने क्यों इतोमोरी के बारे में मैं इतना इंटरेस्टेड था। उस विलेज में जहाँ एक धूमकेतु गिरा, पूरा शहर बर्बाद हो गया। मगर ताजुब की बात यह है कि गांव के सभी लोग एक सेफ जगह पहुंच गए थे। ओ, तो इसका मतलब मित्सुआ बच गई? पर इसका मतलब तो ये भी है कि ताकि मित्सुआ से रिलेटेड मेमोरीज भूल गया है। मैंने उस हादसे की सारी खबरें और मैगजीन्स पढ़ी। मैं उस वक्त जिस चीज में खो गया था वही मुझे याद नहीं। अजीब है, मैं तो इतोमोरी में किसी को जानता तक नहीं। तो अब अगले दिन ताकि फिर से मेट्रो से घर जा रहा है। ये कहानी जो मुझे शायद याद भी नहीं, पर उस कहानी में तुम थी। बस याद है तो तुम्हारी झलक, पर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुमसे पूछूंगा। क्या पूछूंगा? योर नेम? कि इसे दिखी मित्सुआ और मित्सुआ को दिखा ये। तो ये दोनों भागते हैं और एक दूसरे को ढूंढते हैं, मगर ये मिल नहीं पाते। हे सुनो, हम दोनों पहले मिले हैं ना? हाँ, शायद। लेकिन योर नेम? तुझ में मैं हूँ, मुझ में तू है बसा,
मिले जो लम्हे मैं चाहूं कभी जुदा ना हो, लेके रंगे बादल तेरे बन गया आसमां, थोड़ा सा इश्क दो रंग दो मेरा भी जान। ओ तुम दिखो नाम ना भूलू मैं तुम्हारा नाम को, दिल पर लिखो कि अब मिल गए हो मुझको, तो जाने ना दूंगा मैं पर मिलूंगा तुमसे तो बस यही पूछूंगा।